मैं जल्दी जाता। मुझे स्कूल बहुत पसंद है। मुझे स्कूल बहुत पसंद है। कल मेरा एग्जाम है मैं और मुझे स्कूल बहुत पसंद है। नई वाली मैम बहुत अच्छी हैं, नई वाली मैम बहुत अच्छी है, वो वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे बहुत प्यार करती है। और मम्मा प्लीज स्कूल से लेने मत आना। प्लीज मुझे स्कूल से मुझे पढ़ने के लिए आना। हाँ, मुझे स्कूल में अच्छा लगता है, मैं वहीं रहूंगा। मैं सुबह सर के वे पे आऊंगा। और मैं सुबह पापी का बात बोलती है मैं कैसे करूँ आ दिया तेरी तो ओ ओ बारिश हुई यार। यहाँ तो धूप भी नहीं है, बादल हो रहे हैं। आवाज़ नहीं पैकेट नहीं मिलता क्या? कढ़ी बना रही ना तो उसी के लिए दही मंगाया है। पता है क्या हुआ, गैस खत्म हो गई। ना प्रॉपर तरीके से राइज हो पाए हैं, ना प्रॉपर तरीके से कढ़ी हो पाई है। शिट यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुचिता दिवेकर का डाइट प्लान। और आज है फ्राइडे और पता है क्या हुआ, मैंने एक साइड पर कढ़ी चढ़ाई, एक साइड पर राइस चढ़ाए। राइस तो पक गए, कढ़ी में बॉयल आना था ना, वो पकौड़े डालने के बाद गैस खत्म हो गई और ना चाय बनी है ना ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं बना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला क्योंकि यार कल मेरा फास्ट था ना, तो अभी इतनी तेज़ भूख लग रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ कुछ जो आसपास नाश्ता मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए लेकर आओ, चाय भी लेकर आओ क्योंकि बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो बस वो वही लेने के लिए गए हैं। तो मैं ये नहीं देख रही हूँ कि हेल्दी होगा कि नॉन हेल्दी होगा, बस इतना देखना है कि भूख लगी हुई है और खाना ही खाना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो लड्डू तो स्कूल जा चुका है, उसका आज मैथ का एग्जाम्स है, तो देखते हैं कैसा करके आता है। बात जाती हूँ, पहले तो जाके नहा लेती हूँ जल्दी से, पूजा कर लेती हूँ, तब तक हस्बैंड आ जाएंगे ब्रेकफास्ट लेकर। तो मिलती हूँ आपसे मैं ब्रेकफास्ट टाइम पर। नहीं नहीं मैं नहाई नहीं हूँ, नहाने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि मुझे हेयर वॉश करना है, तो हेयर वॉश करने में टाइम लग जाएगा, तब तक हस्बैंड चाय लाएंगे, वो ठंडी हो जाएगी। और गर्म करने के लिए मेरे पास इंडक्शन भी नहीं है, इंडक्शन मेरा ख़राब हो गया था, वो बनने गया हुआ है, बन गया है, लेकर आना है। सब कुछ मतलब एक साथ ही सब कुछ ख़त्म है, क्या करें यार। तो पहले तो मैं जाके कुछ नहीं करती हूँ, बस हस्बैंड का वेट करती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, उसके बाद ही फिर नहाऊँगी धोऊँगी। फील लाइक हस्बैंड आ गए, देखते हैं। यस मेले काल आए, मेले काल आए। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है चाय निकालने का, जिंदगी में बाहर ही रहे तो इसे निकाल। मुझे लगा चाय की दुकान में भी काम करते थे। पूरा प्रॉपर देसी तरीके से देता है, इसीलिए अच्छे लगते हैं इसके। ये लो निकलेंगे, क्या मिर्च
नहीं भूलोगे? कैसे हो? मेरे तो फेवरेट है तुम देखो। कल छुट्टी थी आपकी, आपने खाया नहीं, आगे फंसते। बहुत ही अनहेल्दी सा और टेस्टी सा नाश्ता करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगातार छींकें आ रही हैं। तो मैंने तो दवाई खाई है, 10-15 मिनट वेट करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। अदरवाइज नहाते नहाते छींकें शुरू हो जाएंगी तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं अभी भी छींक ही रही थी, लेकिन अभी मैंने नज़ल ड्रॉप्स डाली हैं जो मुझे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई हैं, वो डाली है, मेडिसिन खाई है। अब 10-15 मिनट के बाद ही मैं नहाने जाती हूँ, और जब नहाने जाऊंगी उसके बाद वापस आके आपसे बात करूंगी। तो गाइस, मैं निकल रही हूँ लड्डू को स्कूल से लाने के लिए। अभी जस्ट नहा के निकली थी, ठीक से बाल भी नहीं सूखे और 11:30 बज गए, तो मैंने अभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स खाया नहीं है, क्योंकि खस्ते खाए थे ना, वो काफ़ी हैवी हो गए थे, तो शायद हो सकता है कि मैं कुछ खाऊँ ही ना थर्ड मील में, सीधा लंच ही करूँगी। तो चलो चलते हैं, पहले लड्डू को स्कूल से लेके आते हैं, फिर बात करती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, घूमने वाला मौसम है आज, लखनऊ घूमने वाला मौसम है आज। आना सफर और ये मौसम हसी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। क्यों घर क्यों जा रहे हैं हम? सारी देखो तो, हाँ भूत को खाते हैं वो। भूत नहीं खाया है, ये गंदे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, कभी फेंक के चला गया है। नहीं, वो भूत को खाते है। भूत ने खा लिया है? हाँ। अच्छा, दिखाओ शक्ल, दिखाओ जरा अपनी भूत वाली है। क्या करना है? डॉगी को नहीं मारना है, पीछे पड़ जाएंगे डॉगी आपके, ठीक है? A few inches later. उसे बात नहीं करती हो? बात? हाँ। करूं कि नहीं करूं? आपसे बात नहीं करना। मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? यहाँ देखो पहले, मुझसे बात क्यों नहीं करोगे? तो आपसे गुस्सा हो? मुझसे गुस्सा हो? हाँ। क्यों गुस्सा हो? तो मुझसे बात नहीं करती हो? मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इसीलिए मैं बोलती हूँ लड्डू फर्स्ट आए क्लास में। और फर्स्ट आने के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सब कुछ याद करना पड़ेगा, और मैम से बिना पूछे काम करना पड़ेगा। कैसे काम करोगे? और फिर जब आपके लिए, आप फर्स्ट आओगे क्लास में, आपके लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, मैम क्लैपिंग करेगी, तो मम्मा बोलेगी वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू माई गुड्डा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आपके लिए सब क्लैपिंग करें। और सब बोले वाह लड्डू कितना अच्छा पढ़ाई करता है, सब ऐसे बोले। मैं आपको प्यार करती हूँ इसीलिए। क्या ठीक है? पढ़ाई करोगे? हाँ। सारा याद करोगे? हाँ। पक्का प्रॉमिस? पक्का। पक्का प्रॉमिस? पक्का। किसी कर दो अच्छे से बात पे, और स्माइल कर दो। फाइनली सिलेंडर आ गया है, और अब मैं अपनी कढ़ी चढ़ा देती हूँ दोबारा से। उसके पकौड़े अच्छे से फूले नहीं थे, मतलब मैंने पकौड़े बनाए थे, बहुत सॉफ्ट पकौड़े हैं, लेकिन जब जैसे मैंने ग्रेवी में डाला, वैसे कि मतलब कढ़ी में डाला, वैसे गैस ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा होता है ना कि उसमें अच्छे से एक बार बॉयल आ जाएगा तो अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि बेसन जो भी है, मैं देखती हूँ बहुत गाढ़ी ना हो गई, वो करती हूँ, लड्डू को दूध देती हूँ, उसको सुला देती हूँ। और आज लड्डू की छुट्टी 11:30 बजे ही हो गई थी। क्या नहीं सोना है? अच्छा ठीक है। हाँ बस कार्टून देखना है तुमको, अभी दिखा रही हूँ। तो ये 2-3 काम है ये करती हूँ। आज मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स नहीं लिया था, यानी कि मील नंबर 3 नहीं लिया है, डायरेक्ट मैं अब आज लंच करूँगी, क्योंकि पता है क्या हुआ, हैवी हो गया था बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट। 1.5 कचौड़ी खा ली थी मैंने, आधी अभी बची हुई है, लेकिन अब उसे खाई नहीं जा रही थी, बहुत हैवी हो जाता। तो अब मैं ये थोड़े बहुत काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगी मैं लंच टाइम पर। गैस आ गई है, तो अब हस्बैंड को खाना दे दूँ, उन्होंने किसी को भेजा हुआ है लेने के लिए। लड्डू को सुला दिया है मैंने, अब हस्बैंड ने जिसको लंच के टिफ़िन लेने के लिए भेजा है वो आ जाए, उनको मैं टिफ़िन दूँ, और मैं भी खाना खा के मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी। कल वैसे भी लड्डू की छुट्टी है, तो अगर लड्डू और मैं देर तक भी सोते रहे आज, और रात में लेट नाइट भी सोए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह तो उठना ही नहीं है। तो
ये है मेरा लंच। लंच मैंने लिया है कढ़ी चावल, और बहुत थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं, फैले हुए हैं ना इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज़ थोड़े से लिए हैं। और कढ़ी में दो पकौड़े लिए और थोड़ा सा प्याज है, हरी मिर्च ली हुई है, और मैंने कढ़ी के ऊपर घी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये है मेरा आज का लंच। तो चलो चल के लंच करते हैं। किचन पूरा फैला हुआ है, खाना खाने के बाद सोऊंगी, शाम को उठूंगी तब पूरा किचन समेटूंगी, अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ खाना है और सोना है। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, मेरे कढ़ी के पकौड़े कितने अच्छे बनते हैं, कितने सॉफ्ट बनते हैं, आप देख सकते हो। मतलब हल्के हाथ से मैं इसको कर रही हूँ, ये पूरे मैश हो गए। मैं किसी दिन ना कढ़ी की रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, हो सकता है आप भी ऐसा बनाते हो, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप इस तरह से बनाना, अगर आप नहीं बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी बनती है। सो गाइस, मैं थोड़ी देर सोई थी, मैं पता नहीं क्या हुआ, मेरे पास सोने का इतना टाइम था, मैं सो ही नहीं पाई हूँ। पूरे टाइम बस फ़ोन चलाती रही, स्क्रॉल करती रही, रील्स देखती रही इंस्टा पर, शॉर्ट्स देखते रहे यूट्यूब पर, बस यही सब देखते देखते अब 5 बज रहे हैं। और उठकर पानी पी चुकी हूँ, पानी पिया था खूब सारा, और अब टाइम हो रहा है इवनिंग स्नैक्स का। तो इवनिंग स्नैक्स में तो चाय तो बनाऊंगी, साथ में देखती हूँ क्या खाऊंगी आज। पता नहीं क्या कुछ अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है। कभी कभी होता है ना ऐसा आपके साथ, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आपको ना आप खाने से खुद को खुश करते हो। मेरे साथ ऐसा है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा है कि नहीं, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा फील करने का मन करता है, तो बस ऐसा लगता है ना कि अच्छा अच्छा खाना खाओ बस। वैसे आज मॉर्निंग सुबह जो शुरुआत हुई है वो भी कुछ बहुत हेल्दी नहीं हुई है, खस्ते के साथ हुई है, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी। खाना बनते बनते में बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया था, मैं सोचती कढ़ी ख़राब हो जाएगी, लेकिन बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है, मज़ा आ गया था। और अब शाम को क्या खाऊँ अभी समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या खाती हूँ। ना ये अभी अपने लिए भेलपूरी बनाई है, इसमें मैंने डाला खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, और थोड़ा सा ना इसमें केचप डालती थी, वैसे केचप नहीं डाला है मैंने, सॉरी ये तो हरी चटनी सूख गई है। ये मैंने ना इमली और गुड़ की चटनी बना के रखी थी होली पर, तो ये थोड़ा सा डाल दिया ऊपर से, तो बहुत ही अच्छी अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। एकदम चटपटा, जैसे बाहर मिलते ना सेम वैसी। मेरे पास पीनट्स वैसे वाले हैं, मतलब कच्चे वाले हैं, उन्हें मुझे रोस्ट करना पड़ेगा, रोस्ट करते करते ये सॉगी हो जाएंगे, तो मैंने कहा छोड़ दो ऐसे खा लेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें नमकीन डाल के खा सकते हो, अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसे ही खा रही हूँ इसको। अब चाय छान रही हूँ, चाय लेती हूँ, और अब अपना इवनिंग स्नैक्स इंजॉय करती हूँ। तो ये रहा मेरा इवनिंग स्नैक्स, ये है भेलपूरी घर पर बनाई हुई। इसमें आपको दिखा दूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं, दिख रही हैं आपको, खीरा दिख रहा है आपको, टमाटर प्याज दिख रहा है, हरी मिर्च दिख रही है, धनिया भी डाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं डाला है, नींबू था नहीं तो मैंने चटनी से काम चली, चटनी खट्टी मीठी है, काला नमक, सफ़ेद नमक सब डाला है, और चाट मसाला भी ख़त्म हो चुका है, उससे काम हो गया, चटपटा बन गया, साथ में गरम गरम चाय। तो अब मैं अपनी इवनिंग स्नैक्स इन्जॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। ये आवाज़ सुनी अभी आपने, अपनी आ रही। मैं ना बर्तन वॉश करती, बर्तन वॉश करके ये एरिया क्लीन करने लगी, तो मैं इस साइड को मेरा फेस था, इधर को फेस था, और मुझे इसमें से आवाज़ आई, और पता है वो आवाज़ बिल्कुल सिमिलर थी किसी के रोने जैसी, और मैं एकदम से डर गई, मैं बड़ी बुरी तरह से डर गई। मैंने कहा कौन मेरी, क्योंकि मेरा फेस ऐसे था ना, ऐसे था, इस साइड था, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेरे साइड में खड़ा होकर रो रहा है। और यार इस टैप में पता है ऐसी आवाज़ आने लगी है, जब हम जब टैंकी में पानी ख़त्म होता है ना, तब इस तरह की आवाज़ ये टैप से आ रही है, और कभी कभी वो आवाज़ अजीब सी हो जाती है, बहुत वियर्ड सी सुनाई देती है। मैं तो बिल्कुल ही तो ऐसी हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुन रहे हो आवाज़, सुनी आपने, लेकिन ये वो आवाज़ नहीं है जो इससे पहले निकली थी, वो तो बिल्कुल ऐसे किसी कोई बच्चा, कोई बड़ा सा आदमी बच्चे की आवाज़ में निकालने, मतलब निकाल के रोने का ट्राई कर रहा, बड़ी भयंकर सी आवाज़ थी। तो गाइस 8 बज गए हैं, डिनर में वैसे 7:30 बजे तक, मैक्सिमम 7:30 तक कर रही थी इतने दिनों से, लेकिन आज ना मेरा कुछ खाने का मन है, और उसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैंने डिनर बनाया नहीं है। और क्या खाने का मन है मैं बताऊँ आपको, मुझे मतलब 3-4 चीज़ें खाने का मन है, पता नहीं इसमें मैं क्या खाती हूँ या सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मुझे नूडल्स खाने का मन है थोड़े से, मुझे छोले भटूरे खाने का मन है, मुझे पाव भाजी खाने का मन है। तीनों चीज़ें मुझे काफ़ी दिन से मन करता खाने का, लेकिन टाइम नहीं हो बन पा रहा था। जिस दिन मैं इन लॉस के यहाँ गई थी ना,
उसके जब होली के नेक्स्ट डे तो जब मैं वापस आई थी तब ना मुझे मन करता खाने का, लेकिन फिर ये उस लड्डू को फीवर था तो मैं बाहर नहीं जा पाई। और छोले भटूरे पाव भाजी ना वहीं गरम गरम अच्छे लगते, घर पे मंगाओ ना तो वो सौगी से हो जाते हैं, वो उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मतलब उतना मज़ा नहीं आता है। तो बस इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि भाड़ में गई डाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डाइट कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए जो आपका मन करे, वरना आपके माइंड में वो सब चीज़ें घूमती रहेंगी और आप डाइट प्रॉपरली कर नहीं पाओगे। तो बस इसीलिए जा रही हूँ। और अभी 8 बजे हैं, हस्बैंड ने बोला 9 बजे तक आ जाना। उनके स्टोर के पास पे ना आर्यन रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब वेज वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, नॉन वेज मैंने कभी ट्राई नहीं किया, वहाँ का वेज खाना होता है तो मैं वहीं जाती हूँ। मुझे सीरियसली वहाँ के छोले भटूरे हो गया या पाव भाजी हो गया, मतलब अब तक जो भी चीज़ें मैंने मंगाई ना वहाँ पर, वो सब बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। चाहे कोल्ड कॉफ़ी हो, चाहे कोई शेक पिया हो मैंने, चाहे मैंने सब्जी रोटी खाई हो, मतलब नान वगैरह खाया हो, सब कुछ बहुत टेस्टी था। वहीं पर पास ही मधुरी भी है, सुना है वो भी अच्छा है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती हूँ। मैं डेली डेली तो जाती नहीं हूँ, कभी कभार जाती हूँ, तो जहाँ पे खाया हुआ है, जिसका टेस्ट पता है, बस वहीं जाऊँगी मैं। और फैमिली रेस्टोरेंट है तो ऐसा कुछ ये भी नहीं है कि बहुत तामझाम होता है, मतलब नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है, तो वहीं जा रही हूँ। जाती हूँ, थोड़ा तैयार व्यार होती हूँ, एक आधी रील बनाऊंगी, उसके बाद फिर निकल जाऊंगी। और लड्डू को भी तैयार करना, लेकिन लड्डू को अभी कुछ खाने का, मतलब वो कुछ खा रहा है, खा लेगा, उसके बाद उसको तैयार करूंगी, उससे पहले खुद तैयार हो जाती हूँ। बाप रे, कितना कुछ बोल जाती हूँ मैं एक ही बार में। हम लोग निकल चुके हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, मतलब 9 बज रहे हैं, और अब हम निकले हैं यहाँ से, तो बाहर से ई रिक्शा पकड़ते हैं और उनके स्टोर पहुँचते हैं। ये रहा लड्डू, लड्डू हाय कर दो। हाय। क्या, चलो। मम्मा की कोई भी बात नहीं मानते है ना। आए पापा, टेबल ही नहीं है कहीं। ये गाड़ी वाली। ये टैंपिंग लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना। खूब मक्खन डाला है। हाय, स्टाइल देखो लड़के का, पैर देखो कैसे रख के बैठा है। तो गाइस, हम लोग घर पहुंचे हैं जस्ट अभी, 10:15 हो रहे हैं, और क्या क्या खाया वो तो मैंने शायद आप लोगों को दिखा। हाँ, छोले भटूरे भी खाए थे, वो आप लोगों के साथ में शेयर करना भूल गई थी। तो हम लोगों ने खाए थे पाव भाजी, शेयरिंग में खाया था मैंने, मेरे हस्बैंड ने, उसके बाद हम लोगों ने खाया था छोले भटूरे, वो भी शेयरिंग में खाया था, उसमें से थोड़ा बहुत एक दो बाइट लड्डू ने भी शेयर किया था, शेक भी मतलब ज़्यादा मैंने लिया था, बाकी थोड़ा बहुत हस्बैंड ने भी लिया था। तो ऐसे तीनों चीज़ें हम लोगों ने शेयरिंग में खाई है, और समटाइम खा लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते हो, समटाइम खा लेना चाहिए ताकि आपकी क्रेविंग्स जो होती है ना वो शांत हो जाए, और आप उसके बाद ये ना हो कि डाइट छोड़कर एकदम टूट पड़े किसी ऐसी चीज़ पर जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो बस अब इस वीडियो का एंड करती हूँ, और फिर मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।